नमस्कार मित्रों, मैं वास्तु एवं ज्योतिष सलाहकार आशीष कुमार मालदंड आपका अपने यूट्यूब चैनल उपाय ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल पर आपको लगातार वास्तु से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, अंग ज्योतिष से संबंधित आपकी समस्याओं के समाधान हेतु अलग अलग तंत्र प्रभावशाली उपाय बताता हूं। मेरे उपाय बहुत छोटे होते हैं परंतु बहुत प्रभावशाली होते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे उपाय लगातार आप तक पहुंचे और आप इनको अपनाकर लाभान्वित हों तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। मित्रों, जैसा आप सबको विदित है कि होली आने को है। 17 मार्च को होलिका दहन है और 18 मार्च को होली खेली जाएगी, रंग खेला जाएगा। होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्र ये अत्यंत शुभ अवसर होते हैं। इन अवसरों पर किए गए कार्य अत्यधिक सफलता प्रदान करते हैं। तो आज से मैं लगातार आपको होली पे करने वाले कुछ प्रभावशाली उपाय बताऊंगा, जिनको जानकर आप धन, सुख, समृद्धि, संपन्नता और स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को लगातार देखते रहिए, मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहिए, आपको रोज एक उपाय प्राप्त होता रहेगा। कभी धन से संबंधित, कभी स्वास्थ्य संबंधित, कभी कष्ट निवारण के लिए, और आप उनको अपनाकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। सर्वप्रथम मित्रों, आज हम बात करेंगे धन प्राप्ति की। धन की समस्या से हर व्यक्ति जूझ रहा है, तो कैसे हम अपने धन में वृद्धि करें, कैसे बरकत करें, मेरे घर में धन का आगमन किस प्रकार और अधिक हो, माता लक्ष्मी की कृपा कैसे अधिक प्राप्त हो, तो होली के दिन बहुत कुछ नहीं करना है मित्रों, छोटा सा उपाय है। 108 मखाने साबित आप लेकर रख लीजिएगा अपने पास, कोई टूटे फूटे ना हो कहीं से, और कड़े वाले मखाने नहीं होने चाहिए, ठुद्दी होती है, छोटे छोटे होते हैं वो नहीं हो, नॉर्मल साइज के या बड़े साइज के अच्छे मखाने उनकी व्यवस्था करिएगा। और एक रेशमी या सूती धागा सफेद, मैं फिर से मतलब समझा रहा हूं आपको, सफेद धागा, चाहे वो रेशमी हो चाहे सूती हो, उसकी व्यवस्था कर लीजिएगा। थोड़ी सी केसर का व्यवस्था कर लीजिएगा, केसर शुद्ध होनी चाहिए, असली होनी चाहिए, बाजार में नकली केसर बहुत मिल रही है, ये आपको निर्धारित करना है कहां से ले रहे हैं और कैसी केसर ले रहे हैं, वो इसको जांच परख कर ही लीजिएगा। केसर असली लीजिएगा, लाभ तभी मिलेगा जब केसर असली होगी। मैं आपको सामग्री बता रहा हूं, थोड़ा सा इत्र सुगंधित, अगर बेला का हो, जूही का हो, चंपा का हो, चमेली का हो, मोगरे का हो, चंदन का हो, अति उत्तम है, अन्यथा गुलाब का भी चलेगा। सबसे श्रेष्ठ कमल का इत्र होता है, लेकिन मिलता बहुत कम है, और जो मिलता है नकली मिलता है। अगर आपको असली कमल का इत्र कहीं से मिल सकता है तो ले लें। सफेद मिठाई या पीली मिठाई, इसकी व्यवस्था कर लें। इन सामग्रियों की व्यवस्था करने के बाद जिस दिन होली जलाई जाती है उस दिन प्रातःकाल नहा धोके, शुद्ध होके, स्वच्छ होके अपने पूजन स्थान पर बैठ जाएं। पहले संकल्प कर लें कि मैं ये जो क्रिया करने जा रहा हूं, जो काम करने जा रहा हूं, हे लक्ष्मी मैया आपकी कृपा प्राप्ति से धन प्राप्ति हेतु कर रहा हूं। यहां पे ध्यान देने की बात मित्रों ये है कि आपको लक्ष्मी माता का याद करना है, लक्ष्मी माता का नाम लेना है, महालक्ष्मी का नहीं, क्योंकि महालक्ष्मी और लक्ष्मी में अंतर है। आप लक्ष्मी माँ को कहें कि हे लक्ष्मी मैया, हे नारायणी, हे विष्णु प्रिया, हे कमलासना, हे कमल को धारण करने वाली, आप कृपा करिए, आपकी कृपा प्राप्ति हेतु, आपकी कृपा से धन प्राप्ति होती, आय प्राप्ति होती, संपन्नता प्राप्ति हेतु ये क्रिया मैं कर रहा हूं। ये क्रिया आपको समर्पित है, इसके फलस्वरूप मुझे धन प्रदान करें,
संपन्न करें और जो मनोकामना हो धन से संबंधित वो कह सकते हैं, जो आपके लिए जरूरी हो। बहुत सारी चीजें मत बोलिएगा। उसके उपरांत केसर को जल में घोल लें और धागे को जो सफेद या रेशमी या सूती धागा आपने लिया था उसको उसमें बो दें, डिप कर दें, रंग लें। कहने का तात्पर्य है कि धागे को केसर से रंग लें और उस रंगे हुए धागे से सुई में डालकर जो आपने माला बनाई मखाने लिए हैं वो 108 मखाने को सुई डालते हुए 108 मखाने की केसर से रंगे हुए धागे की माला बनानी है। मित्रों माला बनाए, अगर माला बनाते समय आप महालक्ष्मी का कोई मंत्र आता है आपको, माता लक्ष्मी का कोई मंत्र आता है तो उसको जपते रहें, अगर नहीं आता है तो जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी ये भी कह सकते हैं। माला बना ले, माला बनाने के बाद उस माला पे जो जितने आपने मखाने लगाए हैं ना 108 उस पे एक छोटी छोटी केसर की तिलक कर दें, जो केसर घोला है उसका तिलक इस उंगली से रिंग फिंगर जो होती है अनामिका इससे आप उस पर तिलक करते चले जाए हर मखाने पे। फिर समस्त सामग्री लेके मिठाई है फूल है इत्र है फल है ये सब लेके चले जाए। फल मैंने पहले नहीं बोला था, अगर आपकी इच्छा है आपकी सामर्थ है तो फल भी आप चढ़ा सकते हैं। अंत में पूजा के अंत में आपका पान का बीड़ा भी समर्पित कर सकते हैं, लेके चले जाए मंदिर। अब इसमें एक चीज और मित्रों, अगर कमल के फूल की व्यवस्था हो जाए तो कमल की फूल की व्यवस्था कर लेंगे, अन्यथा मंदिर में आपको गुलाब की माला मिल जाएगी, आप गुलाब की माला ले लें, मंदिर जाके माता लक्ष्मी के समक्ष फिर से खड़े होके अपनी मनोकामना को कहें और माता की पूजा करें, फूल समर्पित करें, माला समर्पित करें, धूप दिखाएं, दीप दिखाएं। उसके बाद मिष्ठान समर्पित करें, इत्र समर्पित करें माता को और फिर वो माला जो आप बना के ले गए हैं पूरी श्रद्धा पूरे विश्वास से अपनी मनोकामना बोलते हुए माता को समर्पित कर दें। अगर वहां माता आपकी पहुंच में है और वहां के पुजारी जी वहां के पंडित जी आपको आज्ञा प्रदान करते हैं कि आप अपने हाथों से माता को माला पहना सकते हैं तो अपने हाथों से माला पहना दें, ये सर्वोत्तम है। और उसके बाद मित्रों वहीं बैठ के माता से प्रार्थना करें, अपनी इच्छा व्यक्त करें और उसके बाद क्षमा प्रार्थना करें कि माता हे लक्ष्मी मैया हे नारायणी हे धन प्रदायनी हे कष्ट निवारणी हे जगदम्बा जो मुझसे गलती हो गई हो जो अपराध हो गया हो जो न्यूनता हो गई हो उसके लिए मुझे क्षमा करें। तो मेरी पूजा मेरी माला जो मैंने आपको समर्पित करी उसको ग्रहण करें और इसके फलस्वरूप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसा कहते हुए बारंबार अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पूरे विश्वास से घर लौटाए। मित्रों ये क्रिया सही ढंग से आपने संपादित कर दी तो साल भर आपके घर में धन की आमद होती रहेगी, धन का लगातार आगमन होता रहेगा, घर में बरकत होती रहेगी। करके देखिए बहुत लाभ मिलेगा। इस क्रिया साल में एक बार होली के दिन करें, अत्यंत लाभान्वित होंगे। मित्रों अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से कोई परामर्श लेना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु करवाना चाहते हैं, वास्तु के अनुसार मैप बनवाना चाहते हैं या कुंडली दिखा के अपने लिए विशेष उपाय जानना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें, मुझे व्हाट्सएप करें, मेल करें। मित्रों सबसे अंत में कि इस जो उपाय हैं आप करें उससे
अंत में मित्रों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। मैं लगातार आपको होली तक अलग अलग उपाय बताता रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।